मंच पर विराजमान श्री सिद्धार्थ जी, नरेश जी, तनेजा जी, मधुसूदन जी, अशोक जी, मिसेस कार, आप सभी भाई बहनों का, भाई बंधुओं का, टीचर्स, स्टूडेंट्स व अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से मुझे आप सभी का साथ मिला है, इसे मैं ईश्वर की कृपा समझती हूँ, क्योंकि मुझे इस मंच पर खड़े होकर आप सभी से मिलकर बड़ी खुशी होती है, मन प्रसन्नता से, खुशी से भर जाता है। मानो लगता है कि मेरी ऊर्जा शक्ति, स्टेमिना बढ़ गया है। कारण क्या है? कारण यही है कि RSET के प्रांगण में जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है। आप सभी ने यहाँ पर बैठ के यह अनुभव भी किया होगा कि यहाँ के प्रांगण में पॉजिटिविटी है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि सकारात्मकता। क्योंकि यहाँ की हवा में आप सब टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ, मैनेजमेंट व संपूर्ण राजस्थानी सम्मेलन एजुकेशन ट्रस्ट की मेहनत की फ्रेग्रेंस है। सभी की मेहनत की सुगंध मानो यहाँ पर एक फैली हुई है, इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि बूपना परिवार पर ईश्वर की कृपा है, बच्चों की मेहनत है। बच्चों की मेहनत के फलस्वरूप हमारा परिवार RSET से जुड़ा। आपने हमें कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर सेंटर, बॉयज हॉस्टल के निर्माण करने का मौका दिया। इसी के साथ अशोक जी, सराफ, कैलाश जी, परसराम कुरिया का भी धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया। आपके पास बहुत कुछ होता है, टैलेंट होता है, धन संपत्ति होती है, लेकिन यदि आपको अवसर नहीं मिलता है तो वो किस काम का। विद्यार्थियों, फ्रेंड्स, मैंने जीवन के अनेक रंग देखे हैं, धूप छांव देखी है, इसलिए कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, आप सभी के लिए है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता है, बैठा तो पीछे ही रह जाता है। बच्चों, ठहरा हुआ पानी यानी एक जगह भरा हुआ स्टिल वाटर, जमा हुआ पानी जिसको हम कहते हैं, ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है। बहता जल तो निर्मल होता है। पांव मिले हैं चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। बजा लीजिए तालियां, कोई बात नहीं है। यहाँ के सभी टीचर से कहना चाहूंगी कि यहाँ का हर युवान, हर बच्चा हीरा है। हीरा यानी डायमंड, और हीरो भी है, HERO, हीरो है। आने वाले भविष्य में आपको इन सबको निखारना है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, आपको इनको निखारना है। इन्हीं में कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई कपिल देव है, इन्हीं में कोई ABJ अब्दुल कलाम है, कोई कल्पना चावला है, ऐश्वर्या और PV सिंधु है। अभी भी हमने देखा स्टेज पे इतने बच्चे प्राइज लेने के लिए आए, उनमें आपने देखा होगा कि लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ताली बजाइए लड़कियों के लिए। सच कहूं तो यहाँ पर जब भी बच्चों को प्राइज वितरण किया जाता है तो मेरा मन कहता है ये वो चुने हुए हीरे हैं जिनकी पॉलिश होगी, धीरे धीरे इनकी पॉलिश होगी तो ये चमकदार होंगे, ये दमदार होंगे और ये शानदार होंगे।
ये शानदार होंगे। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगी कि RSET यह लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जो अपने प्रांगण को ही नहीं, मलाड, मुंबई, महाराष्ट्र ही नहीं, भारत देश के हर कोने को प्रकाशित करेगा, मार्ग प्रदर्शित करेगा, रोशनी पहुंचाएगा। आप सभी गर्ल्स एंड बॉयज को, आप सभी भारत का भविष्य हैं, हमें इस पर भरोसा है। आते जाते आप सभी को मेरी, जाते जाते आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस, परसों हम सभी का गणतंत्र दिवस जिसे कि रिपब्लिक डे भी कहते हैं, आप सभी को रिपब्लिक डे के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात चुनाव की गहमा गहमी और एक बात कहना चाहूंगी कि चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है। वोट देना और समझदारी से देना बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। गांठों में गठी माला, गांठों में गठी माला कब टूट जाएगी यह कहना मुश्किल है। अच्छे व सच्चे इंसान की पहचान, अच्छे व सच्चे इंसान की पहचान करना भूलना मत। इन चार पंक्तियों के साथ कहीं, इन चार पंक्तियों के साथ मैं विराम चाहूंगी। नारों की नहीं कार्यों की आवश्यकता है, नारों की नहीं कार्यों की आवश्यकता है। मझधार में है संस्कृति, मझधार में है संस्कृति, किनारों की आवश्यकता है। मझधार में है संस्कृति, किनारों की आवश्यकता है। जरूरत है राष्ट्र को, जरूरत है राष्ट्र को सत्य पथ पर लाने की, रामायण के आदर्श को अपनाने की, रामायण के आदर्श को अपनाने की। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। उन्होंने मझधार की बात कही कि किनारे की जरूरत है। मैं एक रिवर्स में भी आपको कहूंगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले कहा ना कि आपके कदम रुकने नहीं चाहिए, कि आपको सफलता मिले या ना मिले आप काम करते जाइए, क्योंकि अगर आप मझधार में नहीं हैं, आप किनारे पे रुके हैं, तो शायद जब हवा चलेगी आपकी कश्ती जो है वो हवा को पकड़ेगी नहीं, तो आपको हमेशा मझधार में रहना ही पड़ेगा, तभी तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है, संजीवनी जी ने बड़े अच्छे खूबसूरत पुराने गाने हमारे लिए गाए, तो एक गाना शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि मैं भी छोटा था जब वो गाना आया, वो एक किशोर कुमार जी का गाना था और उसके बोल कुछ ऐसे थे कि एमए किया, बीए किया, एमए किया, सब कुछ किया, लेकिन एमआई किया। क्यों? क्योंकि आपको एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है उस एजुकेशन से आप क्या करने वाले हैं, आपको सोचना है। अब मैं हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, आज मैं मीडिया और टेलीविजन में काम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था, तो सबक आपको सिखाता है लाइफ, जिंदगी। और इसीलिए जो आपको लाइफ में पसंद आता है वो आपकी पहचान है, जो आपको लाइफ में पसंद नहीं आता है वो भी आपकी पहचान है, और इसी तरह से धीरे धीरे आप अपने आप को पहचान सकते हैं, और इसी पहचान को आप एक ट्रांसफॉर्मेशन इसके साथ अपने में और देश में, भारत में ला सकते हैं। लोगों की उम्मीद है आपके साथ, आपको भी अपनी उम्मीद है, और मैं वाकई कहूँ जो अशोक जी आज कर रहे हैं और आप जिस स्कूल में हैं, जिस इंस्टीट्यूशंस में हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक तो नारी शक्ति का एक इसमें एक पावरफुल प्रदर्शन है, दूसरा मैं छोटे बच्चों को देख रहा हूँ जो बड़े छोटे मतलब बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनके लिए कितना बड़ा दिन आज है, कितना बड़ा मौका राजस्थानी सम्मेलन ट्रस्ट ने इनको दिया है, तो मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और मैं आपको ये कहूँ, ये